कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। इट्स मी हिना मोहित, वेलकम टू माय चैनल। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं जो है ना डेली व्लॉगिंग करूँगी, लेकिन फिर भी जो है ना मैं एक दिन बीच में नहीं करती या दो दिन बीच में नहीं करती। अच्छा, यहाँ पर मौसम काफ़ी चेंज हुआ हुआ है। दो दिन से जो है ना सबके सर्दियों के कपड़े निकाल रहे थे और साफ़ कपड़े थे, लेकिन फिर भी वॉश किया, उनको धूप लगवाई है, कोट वगैरह। आगे मौसम चेंज होना है तो फिर आपको पता है कि सर्दियों में जो है ना कपड़े ड्राई नहीं होते हैं, तो इस वजह से जो है ना मैंने अभी भी सारे वॉश करके उनको ड्राई करने के लिए रख दिया हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, आधे से ज़्यादा समेट लिए, बस कोट रह गया एंड पे, वो भी मैंने धूप में फैलाए हुए हैं, तो वो भी इंशाल्लाह आज सारे समेट के मैं फारिग हो जाऊँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, बाकी सब क्या कर रहे हैं, और किचन में आज खाने में क्या बनाना है। तो चले चलते हैं। यहाँ पे सारे बातें कर रहे हैं, छुट्टी आप आज घर में सबको। एक कोट ये लटकाया हुआ है, ठीक है। धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई है, मौसम बहुत अच्छा है आज। हाँ, कभी बारिश होने लग जाती है, कभी धूप निकल आती है। और ये मैंने सर्दियों के जो है ना बाकी जो जैकेट्स रह गई थी वो फैलाई हुई हैं यहाँ पे, ठीक है। और अंदर में आपको दिखाती हूँ हम क्या कर रहे हैं। और हम जो है वो सो रहे हैं, और हम जो है ना बहुत ज़्यादा तंग करने लग गए हैं, बात नहीं मानता है। ये देखे हम सोया हुआ है, ठीक है। कुछ ये हैं और हम के कपड़े, ये प्रेस होने वाले हैं, समेटे नहीं हैं मैंने। और कुछ ये हम के कपड़े प्रेस होने वाले पड़े हुए हैं, अब ये प्रेस करने हैं मैंने, ठीक है। ये पापा अंगूठे उतार के लाए हैं वो पीछे से, ठीक है। और खाने में हम बना रहे हैं आज भुना हुआ बीफ, मसाले वाला बीफ बना रही हूँ, जो सिंपल सी रेसिपी हर घर में बनती होगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ साथ साथ। यहाँ पे मसाला सारी चीज़ें ग्राइंड करके ये पापा ने पहले रख दिया हुआ, ठीक है। और अब मैंने फ्लेम ऑन की है, तो ये मसाला पक रही है। जो है पापा ने प्रेशर में पहले ही जो है ना बीफ को जो है ना टेंडर कर लिया हुआ है, ठीक है। अब ये मसाला भून के इसमें सारे मसाले जाएंगे, और ऑयल थोड़ा सा ऐड करूँगी क्योंकि जो है ना उसमें चर्बी भी थी और ऑयल उसका अपना ही निकल आएगा। तो फिर मसाला इसमें गोश्त डाल के मसाले को भून लूँगी। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर मसाले सारे, अंदाजे से कोई टी स्पून ही कोई टेबल स्पून ही अंदाजे। पहले मैं बनाती होती थी टी स्पून टेबल स्पून के साथ ना, नाप नाप के इतना ये जाएगा इतना ये जाएगा, तो वो बड़ा टाइम लग जाता था। अब जो है ना मैं अंदाजे से डाल लेती होती हूँ, डाल लेती होती। इसके अंदर अब जा रहा है नमक, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाता है वो बंदा बाद में भी ऐड कर लेता है, कोई मसला नहीं है। इसको गर्म मसाले को अच्छे से भून के साथ ही मैं ऑयल भी डालूंगी, ज़रा जल्दी जल्दी बन जाएगा क्योंकि तो भूख लगी हुई है ना इसलिए। ये जा रहा है इसके अंदर, थोड़ा ही ऑयल डालूंगी क्योंकि उसके अंदर चर्बी का अपना निकला हुआ है ना। मसाले को जो है ना अच्छे से भून लेना, ये जब भून जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। मोहित कह रहे मैं हाथ लगाऊंगा ना तो जो है ना खाना मज़ेदार बनेगा, उसके अंदर जायका आ जाएगा। खाली चम्मच लाने से जायका नहीं आता, क्या पता क्या क्या पता आ जाए जायका क्या पता आ जाए जायका। इस जो है ना बीफ को तीन हाथ लगे हैं, पहले पापा ने किया है वो उसको टेंडर कर लिया और मसाला उन्होंने ग्राइंड करके इसमें डाल दिया था। अब मैंने चूल्हा चलाया है और इसके अंदर दूसरे मसाले डाले हैं और मोहित ने चम्मच चला। और व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। मेरे जब भी सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो हमेशा दो तीन कम हो जाते हैं, तो अभी मेरे आज सुबह मेरे थे 224 सब्सक्राइबर, तो दो भी कम हो गए, 222 पे आ गए। ये क्या बात हुई, आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है कि इनको अनसब्सक्राइब करना है वीडियो मेरे चैनल को, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें फिर, ताकि मैं और ज़्यादा अच्छी वीडियोस लेके आ सकूँ। मेरी हिम्मत आ जाती है बंदे में जब इस तरह जब लोग सपोर्ट करते हैं, और तो खुद ब खुद ही हिम्मत आ जाती है कुछ ना कुछ अच्छा बनाने के लिए।
तो अगर आप लोगों ने अच्छी वीडियोस देखनी है तो सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। बहुत सारे लोग जो है ना वीडियो फुल वॉच कर लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, तो उनके लिए रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो जब देख रहे होते हैं तो नीचे बस एक प्रेस ही करना है बटन को और चैनल सब्सक्राइब हो जाना है, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लिया करें मेरे चैनल को और मुझे सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, इतने दिनों से जो है ना रोड पड़े हुए थे हमारे, ये तो खराब नहीं हो रहे, ये ऐसे ही है, इसी तरह आराम से निकलेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये ब्लैक होंगे तो आराम से छिलका इसका उतरेगा ना। तो मैं संडे का वेट कर रही थी, संडे आएगा तो पापा और मोहित के हवाले करूंगी ये वाला काम तो जो है ना ये हमारे अखरोट भी हो जाएंगे, फिर इसको धूप लगवाऊंगी। धूप अभी निकल रही है ना, इस वजह से मौसम चेंज हुआ हुआ है, आगे मौसम बिल्कुल चेंज हो जाना है तो ये इनको सुखाना बड़ा मुश्किल हो जाना है, तो इसलिए जो है ना इनको भी ड्राई करवाती हूँ मोहित से और पापा से। ये देखो, आप कह रहे हैं ना कि खराब हो गई, खराब ही हो गई। देखो ये जो है ना, इसका छिलका उतारना बड़ा मुश्किल है, ये देखो इसका छिलका उतारना बड़ा मुश्किल है। अब मैं दूसरा दिखाती हूँ, ये देखो ये ना, ये ऐसे फटाफट उतर गया, चेक करें। अब इसको वॉश करके ना, तो ये देखो उतरे ना फटाफट, ये देखो, ये देखो मैंने भी इतने किए हैं। इसको मैं तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर से वो जो है ना सही तैयार हो गया या कच्चे हैं अभी, वो चेक करके बताओ कैसे था। एक मिनट, ये देखें, मैं खुद दिखा लेती हूँ, खुद दिखा के दिखाती हूँ कैसा है। वॉश कर लो एक दफा, वॉश नहीं हाथ साफ है मेरा, कच्चा है अभी, ये देखें लेकिन जो है ना अभी वो सही तरह नहीं तैयार नहीं हुआ। ये मैं चर्बी का जो ऑयल था ना ऊपर आ गया था, वो डाल दिया, ये देखें यहाँ पे अरहम की आवाज आई है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हुआ? ये देखो अरहम जब सो के उठता है ना तो ये मेरे ऊपर ऐसे लाजमी लेटता है, ये देखो अरहम, ये देखो ओ ऐसे, अरहम का मूड बड़ी मुश्किल से ठीक होता है ना अरहम, मेरे बेटे का मूड बहुत मुश्किल से ठीक होता है। देख रहा है कौन है, ये अरहम है, ये मेरा बेबी है, इतना प्यारा सा। अरहम का मूड सेट करना बड़ा मुश्किल काम है, इसका मूड सेट करके इसको बाहर भेज दिया इसके दादा दादी के पास, तो मैं दोबारा किचन में आ गई और मोहित को दिखाती हूँ क्या कर रहा है। जैसे मैंने भून दिया तो इसके अंदर बीफ डाल दिया और बीफ को अच्छे से भून लेंगे, तो अगर ग्रेवी वाला चाहिए तो ग्रेवी वाला बना लूँगी, नहीं तो वैसे बना लूँगी। अच्छा जी, खाना हमारा हो गया तैयार, बहुत मज़े की बनी है, मसाले वाला बीफ मसालेदार, बहुत मज़े का बना है। मैंने और मोहित ने खा भी लिया है, थोड़ा सा खाना खाया, अभी मैं बनाऊंगी रोटियां फिर बाकी आराम से खाना खाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं करने लगी और हम के कपड़े प्रेस, सबसे पहले कपड़े रेडी करती हूँ, हम के प्रेस करके रेडी करके रखती हूँ क्योंकि बच्चा है तो कभी भी कपड़े गंदे कर लेता है, तो मैं जल्दी जल्दी से फिर निकाल के उसको पहना तो लेती हूँ ना, इतना मेरे लिए इजी हो जाता है फिर इसके कपड़े प्रेस करके रखूँ ना। ये देखें जी, अरहम के सारे कपड़े प्रेस हो गए हैं, ये देखें कब से लगी हुई थी अरहम के सारे कपड़े प्रेस करने के लिए, और अब हम करेंगे कपड़ों को समेटेंगे, ठीक है। और अरहम के कपड़े समेटने लगे हम, फिर हम अरहम को खाना खिलाएंगे और आज का व्लॉग करेंगे हम यहीं पे एंड। बाय बाय कर दो, बाय बाय, बाय बाय कर दो, तही तस्वीर पकड़ी है मेरे बेटे ने, देखे।
तो व्यूवर्स आज का व्लॉग करते हैं हम यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब, सबसे पहले सब्सक्राइब, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दें जी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, बाय बाय।